क्या आप भी टाइम ट्रेवल्स में विश्वास करते हैं? क्या आपको भी लगता है कि कोई इंसान भविष्य में जा सकता है? क्या आपको भी लगता है कि इंसान भविष्य में जा सकता है? अब तक कई लोग टाइम ट्रेवल का दावा कर चुके हैं, हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इससे जुड़ी भविष्यवाणियां लोगों को चौंका देती है। समय समय पर कई लोगों ने टाइम ट्रेवल्स की बात कही है और उनके खुलासे हैरान करने वाले होते हैं। टाइम ट्रेवल करके 2027 में पहुंचा शख्स, 2027 से वीडियो भेजने का दावा, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, 2027 गायब हो चुके हैं इंसान। अब टाइम ट्रेवल्स करने वाले इस शख्स ने दावा किया है कि वो टाइम ट्रेवल्स करके 2027 का सफर कर चुका है। उसने 2027 में जाने का ही दावा नहीं किया, बल्कि उसका दावा है कि वो 2027 का वीडियो भी बनाकर लाया है। दावा करने वाले युवक ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें एक सुनसान शहर को देखा जा सकता है। वीडियो फुटेज को उसने सबूत के तौर पर जारी किया है कि वह पृथ्वी पर आखिरी जीवित व्यक्ति बचा है। टाइम ट्रेवल्स दावा करने वाले व्यक्ति का नाम जेवियर है। वियर का दावा है कि वह भविष्य में सिर्फ अकेला बचा है, क्योंकि पृथ्वी के बाकी इंसान एक आपदा के बाद नष्ट हो चुके हैं। सबूत के तौर पर वह स्पेनिश शहर के वीडियो अपलोड करता है। वही वीडियो वायरल होने के बाद कुछ लोगों का कहना है कि वह शहर के सुनसान हिस्सों का वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा है और लोगों को गलत जानकारी दे रहा है। जेवियर ने सुनसान शहर के रास्तों और शॉपिंग एरिया के वीडियो फुटेज शेयर किए थे, लेकिन एक सोशल मीडिया यूजर ने उनके इन दावों पर सवाल उठाए थे। उसने जेवियर से उन जगहों की वीडियो क्लिप दिन के समय में शूट करके अपलोड करने के लिए कहा जिन जगहों की वीडियो वह पहले अपलोड कर चुका है। जेवियर ने ऐसा ही किया और यूजर की मांग के मुताबिक नया वीडियो अपलोड किया, लेकिन यूजर ने इस पर भी सवाल उठाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या होता है टाइम ट्रेवल? टाइम ट्रेवल एक विचार है जिसमें यह माना जाता है कि इंसान समय के एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच ठीक वैसे ही यात्रा कर सकता है जैसे वह एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करता है। आसान शब्दों में समझाए तो ऐसी तकनीक विकसित की जा सकती है कि व्यक्ति 2019 से 21,019 में जा सके या फिर ठीक इसका उलट कर सके। इस घटना को टाइम ट्रेवल या समय यात्रा का नाम दिया गया है। टाइम ट्रेवल करने के लिए एक मशीन की जरूरत होती है जिसे टाइम मिशन के नाम से जाना जाता है। टाइम ट्रेवल के लिए इंसान को एक ऐसे उपकरण की जरूरत पड़ेगी जो उसके शरीर को एक समय से दूसरे समय में ले जाए, जैसे व्यक्ति साधारण यात्रा में ट्रेन, बस या हवाई जहाज का उपयोग करता है। ठीक वैसे ही समय की यात्रा इस टाइम मशीन के माध्यम से की जा सकेगी। दरअसल वैज्ञानिक इसे भौतिक रूप से फिलहाल स्थापित करने में असफल रहे हैं और परंपरागत भौतिक विज्ञान इस काम को असंभव बताता है क्योंकि समय के आयाम मानने से ही इनका इनकार करता है। लेकिन भौतिकी की ही दूसरी शाखा यानी क्वांटम फिजिक्स में टाइम ट्रेवल को संभव माना गया है। टाइम ट्रेवल के लिए वॉर्म होल्स सिद्धांत का अक्सर हवाला दिया जाता है जिसे आइंस्टीन रोजेस ब्रिज भी कहा जाता है।